बड़ी खबर वाराणसी से है, जहां 10 दिन बीतने के बाद भी सरकारी चेकमार्क की पैमाइश को नहीं पहुंची राजस्व टीम। बीते 10 दिनों पूर्व राजा तालाब तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस पर ग्राम प्रधान अमिनी अनिल कुमार ने दिवसा अधिकारी को पत्रक देकर की थी चेकमार्क पैमाइश की मांग। ग्राम प्रधान ने जल्द से जल्द चेकमार्क पैमाइश कराने की तहसील प्रशासन से की मांग। वाराणसी से रमेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट, पी न्यूज। क्या है? बच्चा, मेरा नाम अनिल कुमार, मैं ग्राम सभा अमनी का ग्राम प्रधान हूँ, नव निर्वाचित। क्या मामला है प्रधान जी, चकमार को लेकर के आपके यहाँ? आप सर, मैं बार बार आवेदन दे रहा हूँ लेखपाल महोदय जी के अंतर्गत तहसील पर, तहसीलदार साहब को दिया, फिर SDM साहब महोदय जी को दिया। लेखपाल साहब अभी प्रॉपर यहाँ पे जांच करने के अधीन एक बार भी नहीं आया। कितने दिनों से आप एप्लीकेशन दे रहे हैं? कम से कम सर ये लमसम हो गया 1.5-2 महीने, 3 महीने के अंतराल एप्लीकेशन देते रहे, कोई सुनवाई नहीं चल रहा है। कोई सुनवाई नहीं हो रहा है जी सर। SDM साहब के यहाँ जब आप गए थे एप्लीकेशन देने, SDM साहब ने क्या कहा आपसे? उन्होंने बताया था कि 2-3 दिन के अंतराल में आपका निस्तारण हो जाएगा प्रधान जी। तो क्या लेखपाल को वो जाँच सौंपे थे? हाँ सौंपे थे, टीम गठित करके यहाँ पर उचित जांच करके कार्रवाई करने के लिए करके, अभी आज तक कोई कार्य ना वो यहाँ तक आए। आपके लेखपाल का क्या कहना है? मेरी लेखपाल का कहना यह है कि हमने रिपोर्ट लगा दिया है, आप जा करके SDM महोदय साहब से बात करिए या उनसे समझिए। आपके यहाँ चकमार पे कोई अवैध निर्माण भी है? जी सर, जिसमें शौचालय है, पानी टंकी है, दबंगों द्वारा कब्जा किया गया है। आने जाने में चकमार्ग पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है जनता को, जिसमें कि तरह तरह का बातें भी विपक्ष बोलता रहता है, उससे हम लोग असंतुष्ट हैं और हमारे समाज के लोग असंतुष्ट हैं। अब आप क्या चाहते हैं प्रशासन से? हम ये चाहते हैं कि हमारे लेखपाल महोदय जी फोर्स के तहत आए, इसका सीमांकन करें, हम अपना मनरेगा द्वारा इस पर मिट्टी भरवाएँ और खड़ंजा भी लगवाएँ, जिसमें कि आम जनता को आने जाने का मार्ग मिले।